हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एनएस एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है बीएड फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर है, समावेशी विद्यालय का निर्माण। बीएड फोर्थ सेम के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो समावेशी विद्यालय के निर्माण इस जो आपका विषय है, इस पर जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस को लेकर हम आपके पास आए हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो हम आपको आज बताएंगे, आप सिर्फ इतने प्रिपेयर करो, आपके पेपर में से 75% इसमें से ही आएगा, इसकी 100% गारंटी है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज, विशिष्ट बालक से आप क्या समझते हैं? विशिष्ट एवं सामान्य बालक में अंतर बताइए। What do you know about special child and what's the difference between special and normal child? तो क्योंकि इसके ये मैं आप एक बुक से बना रही हूँ, 20 क्वेश्चन बुक से दे रही हूँ, तो इसमें आंसर की जगह पर लिखा है कि इस पेज पर या इस पर उत्तर देखें, तो उसे इग्नोर कीजिए। और अगर आपको आंसर्स चाहिए तो कमेंट करना कि आपको कौन से क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो वो क्वेश्चन का आंसर मैं आपको पूरा प्रॉपर समझा कर बता दूंगी। क्वेश्चन नंबर टू, विशिष्ट बालकों को विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन देने की आवश्यकता पर जोर देते हुए इनमें आने वाली समस्याओं पर प्रकाश डालिए। आप स्पेशल चाइल्ड हैं, उन्हें स्पेशल एजुकेशन कैसे देंगे और किस उनको स्पेशल एजुकेशन क्यों देना है, क्या ज़रूरत है उसकी, ये बताना है। फिर से ये बोल रही हूँ कि अगर आपको इनके आंसर चाहिए तो प्लीज़ कॉमेंट करना, फिर इसके आंसर मैं आपको बता दूंगी। और कभी क्वेश्चन है, विशिष्ट बालकों को विशेष शिक्षा की आवश्यकता क्यों होती है, इसमें आने वाली बाधाओं को बतलाइए। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज करके बताया है। इस पूरे जो टॉपिक है, इसमें जो हम समावेशी विद्यालय का निर्माण पढ़ते हैं, तो समावेशी का मतलब ही यही है कि ऐसा स्कूल बनाना जिसमें नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों तरीके के चाइल्ड जो हैं वो एक साथ पढ़ें, और एक साथ उन्हें शिक्षा किस तरीके से दी जाए, और अगर एक साथ हम उन्हें शिक्षा देते हैं तो क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, और क्यों ज़रूरी है हम एक साथ बच्चों को पढ़ाएं, यही सारे टॉपिक हैं। तो एक बार आप इन्हें समझ लेंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और उनकी प्रमुख आवश्यकताओं को लिखिए। कैसे पहचानेंगे हम कि कोई बच्चा जो है वो स्पेशल चाइल्ड है, उसे स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत है, ये कैसे हम जानते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। विशिष्ट शिक्षा की विशेषताएं बताइए, क्यों देना चाहिए स्पेशल एजुकेशन, या स्पेशल एजुकेशन के क्या क्या फायदे हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं, इस टॉपिक से बनेगा क्वेश्चन। विशिष्ट शिक्षा के प्रत्यय के विकास के बारे में बताइए तथा विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य भी लिखिए। श्रवण बाधिता का अर्थ बताइए और श्रवण बाधिता के कारण भी बताइए। श्रवण बाधिता जो बच्चों को सुनने में प्रॉब्लम आती है, श्रवण बाधित बच्चे कहलाते हैं। श्रवण बाधित बच्चों की विशेषताएं बताइए। श्रवण बाधित बच्चों को संप्रेषण कौशल सिखाने की प्रमुख विधियों का वर्णन कीजिए। फिर दृष्टि बाधित क्या है, दृष्टि बाधिता के कारण बताइए, इनकी विशेषताएं भी लिखिए। क्वेश्चन नंबर एट, मानसिक मंदिता का अर्थ बताइए, मानसिक मंदिता का वर्गीकरण कीजिए। मानसिक मंदित बालकों की पहचान किस प्रकार की जाती है? ओवरऑल इस पूरे जो पेपर है, इसमें आपको केवल और केवल स्पेशल चाइल्ड, नॉर्मल चाइल्ड, एबनॉर्मल चाइल्ड, उनकी पहचान और उनके जो रीज़न है कि वो क्यों मंदित हैं, ये सब बातें हैं। बहुत ही ईजी पेपर होगा, इसमें आप पढ़ें और अपने मन से, अपने जो हम अपने आसपास समाज में देखते हैं बच्चों को, उनके हिसाब से, उनके अकॉर्डिंग आप आंसर दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल आप बुक के अकॉर्डिंग ही आंसर देंगे। फिर प्रतिभाशाली बालकों की परिभाषा और इनकी पहचान, प्रतिभाशाली बच्चों की समस्याएं क्या होती हैं, प्रतिभाशाली बच्चों की समस्याएं होती हैं, उनकी समस्याएं कि वो बहुत ज़्यादा स्पीड में पढ़ लेते हैं, फिर वो क्लास में बोर होने लगते हैं क्योंकि दूसरे बच्चों के साथ पढ़ने में उन्हें समस्या आने लगती है। नाइन है, क्वेश्चन नंबर नाइन, समाज में प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार करनी चाहिए, उन पर लेख लिखिए। फिर अधिगम निशक्तता असमर्थता का अर्थ और परिभाषाएं, देखिए आप क्वेश्चन देख लीजिए,
अधिगम संबंधी विकलांगता क्या होती है? अधिगम निर्योग्यता के उपचार की प्रमुख विधियों को बताइए तथा अधिगम निर्योग्यता के बच्चों को शिक्षित करने में अध्यापक की क्या भूमिका होगी, इसे भी स्पष्ट कीजिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे। अच्छे से सारे क्वेश्चंस सॉल्व आप पढ़ना, और इस टॉपिक पे अगर क्वेश्चन इसमें से नहीं भी हो, अगर कोई दूसरा क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए। वीडियो में क्लैरिटी नहीं हो तो सेटिंग से क्वालिटी बढ़ा लीजिए, और कोई भी दूसरा क्वेश्चन हो तो कमेंट करना। इन क्वेश्चंस में से किसी क्वेश्चन का आंसर अगर चाहिए या क्वेश्चन पूरा समझना हो तो भी कमेंट करना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।